हेलो गाइस दिस इज विपिन बलोनी वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे आई होप आपकी दिवाली बहुत अच्छी गई हो तो इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं आप सभी के साथ में जो कि पिछले महीने एग्जीबिशन हुआ था मेरा उसके रिगार्डिंग जो भी मेरे एक्सपीरियंसिस थे और आ, और भी बहुत चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड गाइज़ सो आई पर्सनली बिलीव कि किसी भी तरीके का जो रिकग्निशन होता है वो हर आर्टिस्ट के लिए बहुत आ, जो है इम्पॉर्टेंस रखता है चाहे फिर आप एमेचर आर्टिस्ट हैं या इस्टेबलिस्ड आर्टिस्ट हैं चाहे आप अभी शुरू कर रहे हैं अपने काम को या आपको बहुत टाइम हो गया अपने काम को आ, करते हुए आ, आप किसी भी तरीके के आर्टिस्ट हों किसी भी फील्ड के हों रिकगनीशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है चाहे किसी भी तरीके का रिकग्निशन हो और द सेम गोज विद मी एज वेल मेरे लिए भी, भी बिल्कुल एग्जैक्टली exactly, वैसा ही है अब अगर मैं अपनी बात करूं पिछले कुछ दो साल लगभग पिछले दो साल मेरे लिए बहुत अच्छे रहे हैं एज़ फार एज़ माई पर्सनल वर्क इज़ concerned, माई पर्सनल फोटोग्राफी वर्क इज़ कंसर्न पिछले दो साल बहुत अच्छे रहे हैं अभी जैसा कि आप सभी को मालूम होगा लास्ट मंथ अक्टूबर में एक एग्जीबिशन हुआ था जो कि आर्ट एम की टीम ने करवाया था जो कि द स्टेनलेस गैलरी न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था वहाँ पे थ्री ऑफ माई फोटोग्राफ्स वर सेलेक्टेड बी एग्जीबिटेड देयर वहाँ पे एग्जीबिशन हुआ था मेरी तीन फोटोग्राफ्स का अलॉन्ग विद ऑल दी अदर आर्टिस्ट एज वेल तो आ, वैसे शायद बहुत लोगों को लगता होगा कि ये मेरा पहला एग्जीबिशन था बट ऐसा नहीं है दो हजार में मेरा पहला एग्जीबिशन हुआ था जहाँ पे कि मेरी पहली बार कोई फोटोग्राफ एग्जिबिट की गई थी जो दो में एग्जीबिशन हुआ था वो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फोटोग्राफी न्यूयॉर्क में हुआ था वो बेसिकली फिजिकल एग्जीबिशन नहीं था ऑनलाइन एग्जीबिशन था तो वहाँ पे पहली बार मेरी फोटोग्राफ को एग्जीबिट किया गया था तो दैट वॉज माई फर्स्ट एग्जीबिशन अभी जो लास्ट मंथ हुआ है अक्टूबर में जो तीन दिन का एग्जीबिशन था वो फिज़िकल एग्जीबिशन था जो कि न्यू दिल्ली में द स्टेनलेस गैलरी में हुआ था आर्ट एमोर की टीम ने इसको मैनेज किया था कंडक्ट किया था तो बहुत अच्छा एग्जीबिशन रहा था और बहुत अच्छी एक एक फीलिंग थी एक बहुत अच्छा एक मेरा एक्सपीरियंस रहा उस एग्जीबिशन को ले के आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो कि इंस्टाग्राम पे मेरे साथ में कनेक्टेड हैं क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ और वहाँ पे मैंने सारी स्टोरीज अपनी शेयर की थी एग्जीबिशन को लेकर के तो इफ़ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम माई इंस्टाग्राम हैंडल इज एट द रेट इट्स वेपिन बलोनी यू कैन जॉइन मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल तो बात करते हैं एग्जीबिशन की तो जैसा मैंने बताया एग्जीबिशन अक्टूबर uh, में हुआ था लास्ट मंथ uh, जो कि आर्ट एमोर की टीम ने कंडक्ट uh, किया था उन्होंने मैनेज किया था अब पहले मैं आपको आर्ट एमोर के बारे में बता दूं कि व्हाट एग्जैक्टली आर्ट एमोर इज तो आर्ट एमोर जो है ये एक आर्ट ब्लॉग है या आप एक आर्ट मैगजीन या आर्ट ब्लॉग कुछ भी कह सकते हो यहाँ पे अलग अलग आर्टिस्ट को फीचर किया जाता है उनके इंटरव्यूज़ को पब्लिश किया जाता है उनके व्यूज़ को शेयर किया जाता है और बेसिकली आर्ट एम की जो टीम है उसमें जो दो मेन लोग हैं एक हैं रंजन कौल जी और दूसरे हैं अक्षत सिन्हा जी बेसिकली ये दो लोग हैं जो कि इसको मैनेज करते हैं और उसको रन करते हैं और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है रंजन कौल जी और अक्षत सिन्हा जी की तरफ से आई रियली आई पर्सनली फील कि बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है और बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है हर फील्ड के आर्टिस्ट के लिए और जैसा मैंने आपको बताया आर्ट एम की टीम ने इसको कंडक्ट किया था Uh, इसी साल uh, uh, जो है पहले uh, मेरा एक इंटरव्यू हुआ था पब्लिश हुआ था जो कि आर्ट एमोर के ब्लॉग पे uh, वो मेरा पहला एक इंटरेक्शन था आर्ट एमोर की टीम के साथ में इफ़ यू वांट टू चेक आउट दैट इंटरव्यू यू कैन चेक दैट आउट इज वेल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो डू चेक आउट और अपना फीडबैक ज़रूर मेरे साथ में शेयर करना तो uh, वो मेरा पहला इंटरेक्शन था आर्ट एमोर के साथ में उसके बाद में ये जो एग्जीबिशन था ये एक्चुअली आर्ट एम का जो ब्लॉग है उसको उसकी एनिवर्सरी पहली एनिवर्सरी हुई थी आ, सौ पोस्ट वहाँ पर हो गए थे तो उसके रिगार्डिंग ये एक फर्स्ट एनिवर्सरी के रूप में इसको सेलिब्रेट करने के लिए एग्जीबिशन किया गया था आर्ट एम की तरफ से तो वहाँ पे थ्री ऑफ माई फोटोग्राफ्स वर सिलेक्टेड जिनका जिनको कि वहाँ पर एग्जीबिशन में लगना था और बेसिकली चालीस आर्टिस्ट थे जिनके काम को वहाँ पर एग्जिबिट किया गया अब ये जो 40 आर्टिस्ट थे इसमें से इंडिया के भी बहुत से आर्टिस्ट थे अब्रॉड के भी थे तो उन सभी 40 आर्टिस्ट में से एक मैं भी था मेरे काम को वहाँ पे एग्ज़िबिट किया गया एंड टू मी अगर मैं अपनी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप सबके साथ में शेयर करूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बोला किसी भी आर्टिस्ट के लिए जो और स्पेशली मेरे जैसे यंग आर्टिस्ट के लिए uh, किसी भी तरीके का एग्जीबिशन या किसी भी तरीके का रिकग्निशन uh, इंटरव्यूज़ ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि आई पर्सनली फ़ील कि एक तरीके की क्रेडिबिलिटी आपको मिलती है लोग आपको जानना शुरू होते हैं और लोग आपको सीरियसली जो है लेना शुरू होते हैं इन एग्जीबिशंस के थ्रू और ऐसा ही कुछ मेरे साथ में था बहुत अच्छा हमारा एग्जीबिशन रहा था इट वॉज इट वॉज ऑल गुड तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया यहाँ पे बहुत प्रोमिनंट आर्टिस्ट्स को फीचर किया गया था चाहे फिर मैं शरद परेरा जी की बात करूँ जो कि श्रीलंका के आर्टिस्ट हैं या प्रेम सिंह जी की बात करूं जो कि बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं या सुजात मिर्जा हों या अलका चड्डा हरपलानी जी हों रुमाना हुसैन जी हों जो कि कराची पाकिस्तान से थे तो बहुत एक वाइड रेंज था एक वाइड वैरायटी थी आर्ट फील्ड के लोगों की जिनको कि वहाँ पे एग्जिबिट किया गया था अलग अलग तरीके की आर्ट फील्ड्स के लोग वहाँ पे थे फोटोग्राफर्स थे पेंटर्स थे और, और भी विजुअल आर्ट में जो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो अलग अलग फील्ड के लोग वहाँ पे थे जिन्होंने अपने काम को एग्ज़िबिट किया अपने काम को शोकेस किया और यंग आर्टिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो एक मैं था और मेरे अलावा एक और यंग आर्टिस्ट थी जिनका नाम वन्ना कुमारी है उनके काम को भी वहाँ पर एग्जिबिट किया गया था आई पर्सनली फील कि उनका काम बहुत अच्छा है आई रियली लाइक ड वर्क और फोटोग्राफी में अगर बात करूँ तो मेरे अलावा शैलिन पार्कर थे आ, उनके काम को भी मैं जो है बहुत क्लोजली मैंने ऑब्जर्व किया एग्जीबिशन के बाद में वो बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करते हैं और लाइट के साथ में जो उनका प्ले आई आई पर्सनली फील की दैट्स आउटस्टैंडिंग बहुत अच्छा उनका काम है तो आई आई पर्सनली फ़ील कि इस तरीके के जो एग्जीबिशंस हैं ये होते रहने चाहिए आगे क्योंकि हर फील्ड के आर्टिस्ट को एक एक एक्सपीरियंस मिलता है या एक एक चांस एक मिलता है कि वो अपने काम को लोगों तक पहुंचा सके या आर्ट फील्ड के और जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ में गेट टुगेदर हो सके हम एक दूसरे को जान सकें एक दूसरे को पहचान सकें क्योंकि आ, अगर मैं अपनी बात करूं एज अ फ़ोटोग्राफर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सिर्फ फोटोग्राफी के थ्रू समझी हैं या देखने की कोशिश की है और फील्ड के आर्ट के साथ में मेरा उतना कनेक्शन था नहीं पर्सनली अगर मैं बताऊँ बट इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस एग्जीबिशन की मैं और लोगों से मिल पाया और मैं देख पाया कि आर्ट के अंदर कितनी वैरायटी है और कितने तरीके की अलग अलग आर्ट फील्ड हैं या आर्ट के जॉनर्स हैं जिसमें कि लोग अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं वो इस एग्जीबिशन के थ्रू मुझे पता लगा और बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल काफ़ी लोगों से मिलने का मौका मिला एंड आई पर्सनली फील कि मेरी उन फोटोग्राफ्स को वहाँ पर वॉल पर देखने से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मेरे लिए चीज़ थी वो ये थी कि मैं बाकी लोगों से मिल पाया और काफ़ी अलग अलग आर्टिस्ट के साथ में मेरा एक कॉन्वर्जेसन हुआ एक गेट टुगेदर हुई उनको जान पाया उनको समझ पाया अपने बारे में उनको बता पाया वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो ज्यादा मायने रखती है चीज़ तो ये सब कुछ हुआ और सबसे बड़ी बात इस एग्जीबिशन की ये थी इसकी जो यूएसपी थी वो थी इसकी वेराइटी जिस तरीके की वेराइटी थी चाहे फिर वो आर्टिस्ट के बीच में एज ग्रुप की वरायटी हो या आर्ट जॉनर्स की बात हो अलग अलग फील्ड के आर्ट आर्ट जॉनर्स की बात हो तो उसमें काफ़ी वेराइटी थी उसमें काफ़ी एक वाइड रेंज थी आर्ट की और रंजन कौल जी की मैं बात करूं अगर जिन्होंने की ये पूरा का आ, पूरा एग्जीबिशन क्रिएट क्रिएट किया था रंजन जी और अक्षय जी ने तो ये दोनों भी बहुत प्रोमिनेंट आर्टिस्ट हैं अपनी अपनी फील्ड से और आर्ट क्यूरेटर्स हैं जो कि आर्ट को क्रिएट करते हैं और इस तरीके के एग्जीबिशंस या आ, आर्ट एम और जैसे ब्लॉग्स को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से रन कर पा रहे हैं एंड आई रियली विश देम लक मैं आर्ट एंड और की टीम को विश करना चाहता हूँ एंड आई आई रियली होप कि ऐसे एग्जीबिशन और ऐसे प्रोजेक्ट्स और होते रहें फ्यूचर में भी तो इट वॉज ऑल गुड बहुत मज़ेदार एग्जीबिशन रहा और आ, मीडिया कवरेज भी इसको मिला डी डी भारती ने जो है इस एग्जीबिशन को हमारे एग्जीबिशन को कवर किया था अब फर्स्ट डे पे मैं वहाँ एग्जीबिशन पे अवेलेबल था बट सेकेंड डे पे एक्चुअली डी डी भारती की टीम आई थी जिन्होंने की हमारे पूरे एग्जीबिशन को कवर किया एंड अनफॉर्चुनेटली मैं दूसरे दिन वहाँ पे अवेलेबल नहीं था बट कोई नहीं होता रहता है तो उन्होंने डीडी भारती की टीम ने इसको एग्जीबिशन को कवर किया उसके बाद में काफ़ी जो है न्यूज़पेपर्स ने भी इसको कवर किया और काफ़ी हमारे एग्जीबिशन के बारे में बातचीत हुई आ, आर्ट इंडस्ट्री में और काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता लगा अगर मैं न्यूज़पेपर्स की बात करूँ तो द मॉर्निंग स्टैंडर्ड नाम से एक ऑनलाइन एक एक न्यूज़पेपर है वहाँ पे जो है इसकी कवरेज हुई थी हमारे एग्जीबिशन की फिर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस करके एक एक एक, एक न्यूज़पेपर है uh, वहाँ पे इसके बारे में लिखा गया वहाँ पे इसकी कवरेज हुई और काफ़ी एक अच्छा एक एक रिस्पॉन्स मिला हमारे एग्जीबिशन को ऑल थैंक्स टू आर्ट एम आर टीम एंड ऑल द आर्टिस्ट लाइक हु आर द पार्ट ऑफ दिस एग्जीबिशन उन सब की वजह से ये इतने अच्छे तरीके से हो पाया और जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था मेरे जैसे यंग आर्टिस्ट के लिए तो वैसे भी ये बहुत जो है इम्पोर्टेंस uh, रखता है ऐसे एग्जीबिशंस एंड मैंने वो न्यूज़पेपर पे जो कवरेज हुई थी वहाँ पे उनको भी ये चीज़ कही थी ऐसे एग्जिबिशन आगे होते रहने चाहिए क्योंकि इतने सारे आर्टिस्ट को अलग अलग फील्ड के आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म पे लाना और उनको एक सेम तरीके की रिस्पेक्ट देना और सेम फील्ड पे एक सेम प्लेटफॉर्म पर उनको ला करके खड़ा करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट मैं सच में अगर आपको बताऊँ तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ कि मेरे लिए सबसे बड़ी बात जो थी एग्जीबिशन को लेकर के वो यही थी कि इतने सारे प्रोमिनेंट आर्टिस्ट के बीच में एक सेम प्लेटफॉर्म हमें दिया गया सेम तरीके की रिस्पेक्ट हमें शो की गई हमारे हमें लेकर के तो वो अपने आप में देखने के लिए बहुत अच्छा था मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ उस चीज़ को लेकर के तो इस तरीके का मेरा कुछ एक्सपीरियंस रहा एग्जीबिशन को लेकर के अब जो हमारा एग्जीबिशन था बेसिकली उसकी जो थीम थी उसका जो नाम था वो था एन इमेजिनल अफेयर ये उसका नाम था और बेसिकली तीन दिन का एग्जीबिशन था जो कि अक्टूबर मंथ में हुआ था फिजिकल एग्जीबिशन तीन दिन का था बट जो हमारा ऑनलाइन एग्जीबिशन है दैट इज़ रनिंग नाउ एज वेल वो अभी भी चल रहा है और शायद थर्टी फर्स्ट ऑफ नवम्बर तक वो चलता रहेगा तो इफ़ यू वॉन्ट टू चेक आवर ऑनलाइन एग्जीबिशन यू कैन चेक दैट आउट एज वेल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप जा कर के चेक कर सकते हो एंड इन केस यू वॉन्ट टू परचेज एनी आर्ट वर्क यू कैन डू दैट एज वेल आप वहीं पर जा कर के चेक कर सकते हो परचेज़ कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज़ एनी artwork, तो आप चेक कर सकते हो तो आई होप कि आप वहाँ पे जाएं और देखें और देखने की कोशिश करें किस किस तरीके के आर्ट वर्क वहाँ पर अवेलेबल हैं उनको फ़ीचर किया गया है उनको एग्ज़िबिट किया गया है और आपको एक अच्छा एक एक्सपीरियंस मिले और अगर आप आर्टिस्ट हैं फिर तो आई होप कि आपको ज़रूर जाना चाहिए और वो वेबसाइट को आपको ज़रूर चेक करना चाहिए ऑनलाइन एग्जिबिशन को तो आई वुड अर्ज एवरीबडी टू गो एंड चेक दैट एग्जीबिशन आउट और uh, आप देखो उसे और मेरा काम भी वहाँ पे है आप वो भी देख सकते हो सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे जो कि मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहता था एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर्ट एम और की टीम को रंजन जी को अक्षत जी को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ और उनको आ, मैं आई विश दैम लक मैं चाहता हूँ कि ऐसे एग्जीबिशंस और ऐसे प्रोजेक्ट्स वो आगे भी फ्यूचर में करते रहें और एक ये जो Uh, चीज़ उन्होंने शुरू की है एक जो इनिशिएटिव उन्होंने शुरू किया ये चलता रहे आगे भी और और आर्टिस्ट को भी वहाँ पे फीचर किया जाए उनके काम को दिखाया जाए उनके काम को शोकेस किया जाए सो दैट्स इट फ्रॉम फ्रॉम दिस साइड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो बाय बाय गाइज हैव फन टेक केयर बाय बाय